नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं ग्रेटर नोएडा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बीमटेक में इंश्योरेंस का प्राध्यापक हूँ। आज मैं आपसे इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। बीमा, इंश्योरेंस एक ऐसा शब्द है जिसे अक्सर लोग डरते हैं और भागते हैं, और मैं कोई मजाक के लिए नहीं कह रहा। पठन पाठन में आने के पहले मैंने खुद 20 साल इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में व्यतीत किए हैं, बीमा बेचा है, लोगों से मिला हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो लोगों का डर है, ये शायद इसलिए है कि हम उन्हें बीमा के बारे में ठीक से समझा नहीं पाते हैं। तो मेरी एक छोटी कोशिश है आज कि मैं आपको बीमा के बारे में बात करूं। लेकिन बीमा के बात करने के पहले मैं अपनी भारतीय परंपरा की एक बहुत ही सही व्यवस्था ज्वाइंट फैमिली के बारे में बात करना चाहूँगा। पता नहीं आपने खुद ज्वाइंट फैमिली में आपको रहने का मौका मिला है या नहीं मिला है। ये संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था थी, ये बहुत ही अच्छी थी। उसमें एक परिवार के ही 3 पीढ़ियाँ कम से कम, और कभी कभी तो 4 पीढ़ियाँ एक छत के नीचे रहती थीं। घर के विभिन्न व्यक्ति अपनी आमदनी करते थे। सबकी आमदनी एक जैसी नहीं होती थी, लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन घर के एक कॉमन फंड में होता था। घर के मुखिया घर के सारे सदस्यों का उचित सम्मान और उचित व्यवस्था रखते थे। घर में दादाजी, बड़े दादाजी, ताऊ, चाचियाँ, ढेर सारी बुआ और फिर ढेर सारे कजन्स होते थे। किचन एक होता था, खाना सबको एक जैसा मिलता था। सारे कजिन्स एक स्कूल में या एक जैसे स्कूल में पढ़ते थे। कपड़े लत्ते जब सिलाने की बारी आती थी तो संभवतः एक जैसे कपड़े सबको मिलते थे। यानी व्यवस्था सबके लिए एक जैसी होती थी, इरेस्पेक्टिव कि कौन कितना कमा रहा है और कौन कितना उस परिवार के फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। बीमा, इंश्योरेंस इसी ज्वाइंट फैमिली का एक कमर्शियल अवतार है, व्यवसायिक स्वरूप है। बस हमें अंतर ये करना है कि ज्वाइंट फैमिली के बदले में एक इंश्योरेंस कंपनी के बारे में सोचना है, और घर के कर्ता के बदले में हमें इंश्योरेंस के मैनेजर के रूप में देखना है। यह भी एक ज्वाइंट फैमिली है। जब हम बीमा लेते हैं, चाहे वो हम लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लें, मोटर पॉलिसी लें, हेल्थ पॉलिसी लें, हम एक बहुत बड़े परिवार के एक नए सदस्य होते हैं। हमें बीमा लेने से पहले बहुत सारे लोगों ने उसी तरह का बीमा ले रखा होता है, और हम अपना प्रीमियम कंट्रीब्यूट करके उस बड़े परिवार के एक नए मेंबर बन जाते हैं। और फिर सिस्टम वही है, हम अपनी हैसियत के अनुसार, मेरा हैसियत से मतलब यहाँ प्रीमियम के अनुसार है, पॉलिसी के साइज से है, अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। और फिर जब हमारे साथ कोई घटना या दुर्घटना होती है तो ये परिवार जो है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो हमारी क्षतिपूर्ति करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने 50 लाख का एक बीमा लिया है, जीवन बीमा लिया है, 10,000 रुपया सालाना प्रीमियम है। मैंने 2 साल तक प्रीमियम दिया, यानी मेरा जो कंट्रीब्यूशन उस फैमिली के फंड में रहा, इंश्योरेंस फंड में रहा, वो केवल 20,000 रुपये का है। लेकिन अगर मेरी अकाल मृत्यु होती है तो बीमा कंपनी हमको 50 लाख रुपया यानी हमारी फैमिली को देगी। अब आप समझिए, हमने तो केवल 20,000 रुपया दिया, लेकिन कंपनी हमें 50 लाख रुपया देती है। ये 49,80,000 रुपये कहाँ से आए? ये उन सारे मेंबर्स के फंड से आए हैं जिन्होंने उस इंश्योरेंस फंड में कंट्रीब्यूट किया है। ये पैसा हर व्यक्ति से आ रहा है, हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन उसमें है, और उस कंट्रीब्यूशन से हमारी फैमिली को राहत मिलती है। उनको वो पैसा मिलता है जिसके द्वारा वो अपना घर खर्च चला सकते हैं, व्यक्ति जिसकी मृत्यु के बाद। तो ये इंश्योरेंस होता है। तो कभी देखिए, सबसे अच्छी बात है कि अगर हम बीमा लेते हैं और अगर हमें क्लेम नहीं मिलता है तो ये दुख की बात नहीं है, ये भगवान की बहुत आशीर्वाद है कि किसी को किसी परेशानी से गुजरना नहीं पड़ता है। अकाल मृत्यु किसी की नहीं होनी चाहिए तो खुशी की बात है। मोटर गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, खुशी की बात है। लेकिन फिर आपको इस बात पर दुखी नहीं होना है कि मेरा पैसा डूब गया। पैसा आपका डूबा नहीं है, सच तो ये है कि वो जो पैसा प्रीमियम आपने दिया वो एक्चुअली एक गुप्त दान था। आपके दिए हुए उस पैसे से पता नहीं किस किस व्यक्ति को, किस किस परिवार को किस तरह की फायदा मिला, किस तरह से उनसे आश्वासन मिला, किस तरह से उनकी आर्थिक क्षतिपूर्ति हुई। इसलिए अगर आप रेशनल ढंग से सोच समझ के देखें तो हमारे पीछे अगर हमारा परिवार दुखी होता है, फाइनेंशियल आर्थिक तंगी से गुजरता है, तो शायद हम अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने ज़िंदगी पर उतना का बीमा जरूर लें कि हम रहें या न रहें,
परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का ईएमआई, इन सब चीज़ों की वहन करने की क्षमता हमारे परिवार को हो। और अगर फिर मैं वही बात करता हूँ, प्रीमियम देना उसे डूबा हुआ मत मानिए, आपने मूलतः एक गुप्त दान किया है, आपके प्रीमियम से पता नहीं किसका कहाँ और कैसे और कितना लाभ हुआ है, शायद ये आप नहीं जानते हैं। हम लोग जब एमबीए में पढ़ते थे तो एक बहुत ही अच्छा हॉकिंस का एक एडवर्टीजमेंट आता था, उसका कथन था, जो व्यक्ति बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे, इनका प्रेस्टीज का था। मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल बीमा के क्षेत्र में भी यही मानता हूँ कि जो व्यक्ति अपने परिवार से करे प्यार वो बीमा से कैसे करे इनकार। धन्यवाद, थैंक यू।